सेवन लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, टोटल सेवन, वन से लेकर ऐसे डाटा घूम के आ रहा है। तो पूरे सेवन लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, सिनेरियोस कैसे बना रहे हैं, टेस्ट केसेस कैसे करना, टेस्टिंग कैसे करना, क्या करना है, इस पर कुछ भी डाउट है, ये भी देख रहे से बहुत घबराहट आ जाती है। भाई ये सब क्या क्या है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई है, बच्चे समझाएगा, डिटेल में समझाएगा, ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट है, जो क्लाउड प्रोजेक्ट है, देख ही घबराना नहीं है, पहली बात, ठीक है, आप ऐसे नहीं पूरा चीज आपको नहीं करो। कॉम्प्रोमाइज के लिए कैसे टेस्टिंग लिखे, टेस्ट केसेस लिखे, किस तरह के क्या क्या तरह के टेस्टिंग हो सकते हैं, क्लाउड में किस तरह के टेस्टिंग टेस्ट केसेस लिखते हैं, डिफरेंट फेजेस में, देखो यहाँ पे फेज वन, फेज टू, फेज थ्री टेस्टिंग, फेज फोर टेस्टिंग, फेज फाइव टेस्टिंग, इतने सारे लेवल्स हैं, तो पांच लेवल ऑफ टेस्टिंग रहेंगे, तो कितने सारे टेस्ट सही आएंगे, किस तरह के टेस्ट केसेस लिखने चाहिए, इस तरह के कुछ भी डाउट यहाँ पे भी, देखो डिफरेंट लेवल्स, कितने सारे लेवल्स, टोटल सात लेवल है, पूरा सात लेवल का अगर आपको सेवन लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, टोटल सेवन, वन से लेकर ऐसे डाटा घूम के आ रहा है, पूरे सेवन लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, सिनेरियोस कैसे बना रहे हैं, टेस्ट केसेस कैसे करना, टेस्टिंग कैसे करना, क्या करना है, इसमें कुछ भी डाउट है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि ETL होता क्या है, ETL टेस्टिंग में क्या काम होता है और उसके प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, व्हाट इज ETL टेस्टिंग, ETL टेस्टिंग इवन AWS, Azure, इन सब में भी कैसा काम करता है। आज हम सीखते हैं ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो बेसिकली एक मैं पहले स्टार्टिंग ETL स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ETL एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ETL, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक, बहुत बेसिक ETL आर्किटेक्चर ले रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत वीडियो लंबा होगा, बट और भी आगे मैं बताऊँगा कि कैसे एक्चुअली में प्रोजेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं। यहाँ पे बस बेसिक एक डेटा सोर्स हो सकता है, यहाँ पे फ्लैट फाइल्स हो सकते हैं, जेसन फाइल्स के लिए सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे क्लाउड सोर्स भी हो सकता है। इसको क्या करेगा, हमारा कोई भी ETL टूल हो सकता है या फिर डेटा इंजीनियरिंग के कोई भी कोड हो सकते हैं या फिर आजकल क्लाउड में बहुत सारे ETL के टूल्स अवेलेबल हैं, तो अभी बताऊंगा मैं बहुत एग्जांपल्स भी। वो क्या करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉजिक, ठीक है, बिजनेस लॉजिक लगा करके फिर वो डेटा वेयर हाउस में लोड कर देगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक आर्किटेक्चर है, बेसिकली इन सब सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक्सट्रैक्ट होकर के जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म होके लोड हो गया। सो बेसिकली मैं समझाना चाहूँ तो अभी क्या होता है, ये जो यहाँ पे डेटा है, समझ लो यहाँ पे जो सोर्स में जो डेटा होता है उसको बोलते हैं OLTP बोलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। और यहाँ पे जो होता है तो बेसिकली ट्रांजैक्शन सिस्टम है, समझ लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डेटा हर सेकंड में आ रहा है, एक आप क्या कहते हैं बैंक ले लो कि हर एक सेकंड में एक एक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, राइट, तो इसलिए बहुत सारे डेटा आ जाते हैं। बट हमें बहुत सारे ये जो ट्रांजेक्शन डेटा ने ये नहीं चाहिए, बट इसके ऊपर से कुछ इंसाइट मिल सके, कुछ हम डिसीजन बना सके, कुछ आइडियाज़ निकल सके, वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर इसमें से जब इंसाइट निकल सके उस तरह का डेटा हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अभी अगर सिंपल एग्जाम्पल ले लो, डीमार्ट होगा, ठीक है, डीमार्ट का एग्जाम्पल है, आप जाते हो हर एक सेकेंड में, हर एक मतलब बहुत सारे सिटीज़ में उनके डीमार्ट के स्टोर्स हैं और गलियों में हैं, कई जगह हैं, 3,000-4,000 स्टोर्स होंगे पूरे इंडिया में, और पूरे जो डीमार्ट के स्टोर हैं वहाँ पे हर एक सेकेंड में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई ना कोई कुछ खरीद रहा है। बट अगर मैं CEO हूँ, समझ लो डीमार्ट का CEO है, ठीक है, डीमार्ट का CEO है, तो उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या कोई क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है क्या, ठीक है, कौन क्या खरीद रहा है, उसको इंटरेस्ट है कि मेरे जो समझ लो एक सिटी है, बैंगलोर सिटी में कितना सेल्स हुआ, हैदराबाद सिटी में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या इंप्रूव करना है, क्या मॉडिफाई करना है कि मेरा सेल्स बढ़ सके, मेरा प्रॉफिट बढ़ सके। तो इस तरह के जो इंसाइट्स होंगी वो इंसाइट्स हमें निकालनी है डेटा के थ्रू। तो जब OLTP का डेटा हम लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए ना, रिक्वायर्ड तरीके से चाहिए हमें, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर एक ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जिस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे, फिर हम डेटा वेयर हाउस में डाल देंगे। तो हमें इस डेटा वेयर हाउस के डेटा में क्या करना है, एनालाइज करना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं OLAP, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ से फिर हमारा BI जो डैशबोर्ड होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जो BI के डैशबोर्ड होते हैं वो बन जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाता हूँ ये से, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मैं उसके ऊपर पक्का आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ठीक है। एक और एक सिंपल सिस्टम ले सकते हैं, देखो बहुत सारे सोर्स सिस्टम हो सकते हैं, यहाँ पे एक जैसे CRP सिस्टम हो, ERP सिस्टम हो, कोई बिलिंग सिस्टम हो, कोई सप्लाई चेन का सिस्टम हो, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, पता है, कस्टमर का डेटा हो सकता है, कोई एंटिटी का डेटा हो सकता है, कोई बिलिंग डेटा हो सकता है, कोई सप्लाई चेन का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, इवन फार्मेसी है वहाँ पे फार्मेसी का डेटा हो सकता है, हेल्थ केयर का डेटा हो सकता है, रिटेल का हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, कोई भी डेटा हो, वहाँ पे ETL आता है काम, ठीक है। क्या होता है ETL, यहाँ
जहाँ पे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड करते हैं हम लोग, फिर डेटा वेयरहाउस में डेटा डालते हैं, उस डेटा वेयरहाउस से कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ विजुलाइजेशन बनाते हैं, बीए बनाते हैं। बेसिकली ये सिनोनिम्स है, बेसिकली इसको इधर ऊपर नीचे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली कोई टीम कोई किस नाम से बुलाएगा, कोई किसी नाम से बुलाएगा, वो ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ से क्या हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करके कुछ इनसाइट्स निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। वो डेटा हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे, वो डेटा क्या करे, हमें हमारी बिजनेस ग्रो करने में मदद करे, ग्रो करने में, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसी मदद मिल सके, डेटा के थ्रू ऐसी मदद मिल सके जो हम हमारी बिजनेस को ग्रो करने में या बिजनेस को ठीक करने में या बिजनेस को अच्छा बनाने में हम वो यूज करें, तो वो सब इनसाइट्स हम निकाल सकते हैं किससे, जब डेटा को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेशनल सिस्टम हो सकता है, कई तरह के फ्लाइट फाइल्स हो सकते हैं, फ्लाइट फाइल्स हमने देखा जैसे कि CSV फाइल हो सकता है, JSON फाइल हो सकता है, RK फाइल हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, इवन एक्सेल फाइल हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे फाइल हो सकते हैं, बहुत सारे फाइल के टाइप्स हो सकते हैं, वो सब फ्लैट फाइल में कंसिडर किए जाएंगे। फिर एक स्टेजिंग लेयर आता है, मोस्ट ऑफ द डेटाबेसिस में क्या होता है, एक सोर्स सिस्टम होता है और फिर एक स्टेजिंग लेयर आता है जहाँ पे हम पूरा डेटा लाके डंप कर देते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से लाके एक जगह में डंप कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के हम लोग जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है लगा करके यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब डेटा वेयरहाउस में स्टोर, बेसिकली यहाँ पे उनके मेटा डेटा होंगे, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये सिस्टम में कोई भी डेटाबेस हो सकता है, आगे मैं एग्जांपल देते हुए बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे डेटा हो सकता है, बट फिर यहाँ देखो उनका अगर टेबल के फॉर्म में है तो मेटा डेटा होगा, रॉ डेटा है वो भी हो सकता है, समरी डेटा है, तो यहाँ पे जो भी, ठीक है। और डेटा वेयरहाउस में क्या फॉर्म में डेटा होता है कमेंट्स में जरूर बताना पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे जब OLTP में क्या होता है, एग्जांपल दे देता हूँ, OLTP में डेटा किस फॉर्म में है, एंटिटी रिलेशनशिप फॉर्म में, ठीक है। बट OLAP में इज इन व्हाट फॉर्म, क्वेश्चन कमेंट्स में बताना, ठीक है। कमेंट्स में सब लोग जो कमेंट्स बताएगा जो कुछ तो प्राइस मिलेगा, ठीक है। ठीक है, कम से कम मैं हार्ट तो दे के जाऊँगा, ठीक है। OLAP सिस्टम में किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप में होता है, OLAP में किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो भी डेटा, ये डेटा यूज हुआ, ठीक है, ये डेटा पे फिर डेटा पे एनालिटिक्स प्रोपाइ यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, ये जो भी डेटा है, यूजर्स कौन है वो भी मैं आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो ये सब जो भी हम करना चाहें ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यूजर्स क्या होते हैं अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे चल के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूजर्स कौन होते हैं, ठीक है। और कोई भी इस तरह का वीडियो एंड ईटेल टेस्टिंग से रिलेटेड, बिग डेटा टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, मैं पक्का वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से डेटा यहाँ से डेटा सोर्स से स्टेजिंग जाता है, स्टेजिंग से डेटा वेयरहाउस जाता है, फिर यूजर जाता है। देखो हर एक प्रोजेक्ट में कोई जरूरी नहीं एक ही स्टेजिंग लेयर हो, किसी किसी जगह में स्टेजिंग लेयर मल्टीपल हो सकते हैं, स्टेजिंग 1, स्टेजिंग 2, स्टेजिंग 3, स्टेजिंग 4, ऐसे कई तरह के स्टेजिंग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ डेटा, द वेलोसिटी ऑफ डेटा, कितनी फ्रीक्वेंसी में डेटा आ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने में डेटा आ रहा है, एंड इवन बोल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत वॉल्यूम बहुत ह्यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कई पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने स्टेजिंग लेयर रखें, इवन डेटा वेयरहाउस या ETL जरूरी है या फिर बिग डेटा में मूव कर जाएं। तो उस तरह से कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करके वो पूरा प्रोसेस सेट करती है, टूल्स भी सेट करती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ETL का आर्किटेक्चर है, इसमें मैं डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा, और ये एक जो डिटेल में चीज़ है ना ये अपने आप में सफिशिएंट है पूरा ETL आर्किटेक्चर समझाने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट का ETL आर्किटेक्चर इससे अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत गजब का है ये ETL आर्किटेक्चर। ये ETL आर्किटेक्चर में देखो यहाँ पे ERP, CRM सिस्टम, जो भी सिस्टम है, फ्लैट फाइल्स मैंने पहले बताया, जैसे CSV फाइल हो सकती है, JSON को भी फाइल हो सकता है, फ्लैट फाइल या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में प्लीज, ठीक है, पता चलेगा आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। यहाँ से एक ODS में जाता है, ठीक है, ऑपरेशनल डेटा स्टोर बोल सकते हैं, ऑपरेशनल डेटा स्टोर, यहाँ से हम डंप करना चाहते हैं हर चीज़ एक जगह, एक ऑपरेशनल जगह में, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्या कहते हैं हर एक प्रोजेक्ट में हो, कोई ऐसा गारंटी नहीं है, बट
यूजली एक मतलब मैं एक फुल फ्लेश बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, बट वो उसके कई मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं, वो कभी कभी प्रोजेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपके प्रोजेक्ट में ऐसा है नहीं है मेरे को जरूर कमेंट में बताना, बट ठीक है कभी कभी ऑपरेशनल डेटा स्टोर ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट आपको पता रहना चाहिए। एंड आपके प्रोजेक्ट में आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी दिस इज समथिंग विच एग्जिस्ट, इसमें वीडियो में बताने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैंने अभी तक किसी प्रोजेक्ट में ऐसे ऑपरेशनल डेटा स्टोर तो देखा नहीं है। हाँ, स्टेजिंग लेयर देखा, बस स्टेजिंग लेयर कभी कभी फाइल सिस्टम होता है तो विच कैन बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशनल डेटा स्टोर, पूरा डेटा आके यहाँ पे डंप हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर वहाँ से स्टेजिंग लेयर क्या होता है, कभी कभी किसी किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक स्टेजिंग टेबल बनाते थे जिसमें डेटा लोड कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल सिस्टम भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ टेबल, क्योंकि यहाँ से अब तक फाइल ऑलरेडी ला चुके हैं, ODS रहता है, या फिर कभी कभी स्टेजिंग लेयर को ही ODS जैसा कंसिडर किया जाता है, फिर वहाँ से हम टेबल के फॉर्म में डेटा डाल दिए। अब यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद सब कुछ डेटा लोड करेंगे कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। पूरा डेटा आप आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद पूरा डेटा डेटा वेयरहाउस में स्टोर करेंगे, और डेटा वेयरहाउस में क्या फॉर्म में रहता है, डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल के फॉर्म में रहता है डेटा, ठीक है। डायमेंशन और फैक्ट टेबल के फॉर्म में जब डेटा डाल दिया है, फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टीम्स को, हम पूरी टीम को डेटा वेयरहाउस का एक्सेस नहीं दे सकते, डेटा वेयरहाउस का पूरा एक्सेस नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल स्मॉल डेटा मार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, स्मॉल डेटा मार्ट्स बना के उसका एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ इसको फाइनेंस टीम का दे दिया, इसको अकाउंटिंग टीम का दे दिया, यहाँ पे इंजीनियरिंग टीम का दे दिया, ऐसे जो भी इनसाइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट हम वो दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये एक्सेस हम दे सकते हैं। फिर ये एक्सेस देने के बाद फिर उसके ऊपर जो भी टीम चाहती है, डैशबोर्ड बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, हमारी मर्जी, उनकी मर्जी हो, जो भी करना चाहे, बट जब बोलते हैं ज़्यादातर BI डेवलपर बनाते हैं, और दिस BI डेवलपर कैन बी देयर ओन डेटा मार्ट के अंदर, उनके ओन ओन प्रोजेक्ट के अंदर हो, या उनके ओन टीम के अंदर एक BI डेवलपर ले, या फिर कंपनी का एक BI डेवलपर हो सकते हैं, वो पूरा डैशबोर्ड्स बना रहे हो, तो अकॉर्डिंगली जैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे उस हिसाब से ये लोग डेटा मार्ट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या उस पर्टिकुलर टीम के लिए डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर बेसिकली द बिजनेस पर्सन होता है, हु इज एक्चुअली टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के लिए जो पर्सन डिसीजन ले रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस पर्सन, क्योंकि बिजनेस में वो कुछ डिसीजन लेने की वजह से बिजनेस चेंज हो सकती है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है एंड यूजर। कभी वो CEO हो सकता है, CTO हो सकता है, कोई टीम का, कोई फाइनेंस टीम का हेड हो सकता है, या फिर अकाउंटिंग टीम का हेड हो सकता है, या HR टीम का हेड हो सकता है, जिससे कुछ इस चार्ट या डैशबोर्ड से इनसाइट निकले एंड विच इज गोइंग टू हेल्प द कंपनी। कोई मार्केट रिसर्च हो सकता है, एनालिस्ट हो सकते हैं, वो लोग एंड यूजर हो जाते हैं इस डैशबोर्ड को यूज करके, दे हैव टू टेक सम यू नो क्रिटिकल डिसीजंस फॉर द कंपनी। तो इस तरह से जो भी चीज है वो बाद में एंड यूजर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां से फुल स्टार्टिंग से लेकर यहां से जो सोर्स है, सोर्स से लेकर के जब तक डेटा यहां आइदर डेटा मार्ट तक या डेटा वेयरहाउस तक आता है, दैट इज कॉल्ड एज ETL। एंड फिर जब डेटा मार्ट से या फिर डेटा वेयरहाउस के ऊपर जब डैशबोर्ड बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज BI। तो जब आप ETL का टेस्टिंग, बेसिकली डेटा वैलिडेशन करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी चेक करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपको ETL टेस्टर बुलाया जाता है। और जब यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक टेस्ट करते हो तो उसको BI टेस्टर बुलाया जाता है, ठीक है, BI टेस्टर बुलाया जाता है। तो इस तरह से आपके रोल्स हो सकते हैं, बेसिकली देखा जाए तो आप सब की कर सकते हो, ETL टेस्टिंग भी कर सकते हो, BI टेस्टिंग कर सकते हो, यूनिक्स आता है यूनिक्स के टेस्टिंग कर सकते हो, बिग डेटा आता है बिग डेटा की टेस्टिंग कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो, ठीक है, इट इज़ ऑल पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अगेन द सोर्सेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी इवन कस्टम मैप्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जिससे हमारे डेटा बन रहे हो, बिकॉज इवन देखा जाए OLTP जैसे एक आप बिलिंग सिस्टम हो सकता है, या फिर मतलब कुछ भी एप्लीकेशन, इवन टू एन एक्सटेंट आप Amazon का ऐप यूज़ कर सकते हो, कुछ डेटा कुछ आइटम ऑर्डर करते हो, वो भी एक क्या है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, राइट। उस एप्लीकेशन से कुछ भी डेटा डिजनरेट हो सकता है, और कभी कभी लॉग्स फाइल्स होते हैं, कुछ मीडिया फाइल्स होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे डेटा जनरेट हो सकता है, जहाँ से सोर्स सिस्टम बन सकता है वही कंपनी का। तो वहाँ से डेटा पूरा लाया जाता है और डेटा वेयरहाउस में रखा जाता है, और डेटा वेयरहाउस में यहाँ पे ही दिखाई देगा, जैसे कि स्टेजिंग लेयर हो सकता है, रिपोर्टिंग लेयर हो सकता है, वहाँ पे मेटा डेटा स्टोर हो सकता है, तो ये पूरा चीज़ एक डेटा वेयरहाउस में भी हो सकता है, ठीक है। इन सम द प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि क्या करते हैं, एक ही डेटा वेयरहाउस में ही डिफरेंट स्कीमा के अंदर
स्टेजिंग लेयर रख रहे थे जहां पे पूरा डेटा यहां से लाके लोड कर दिया, बट यहां से ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके या तो रिपोर्टिंग लेयर में या फिर डेटा वेयरहाउस करके एक बोल सकते हैं, तो ऐसे ले जाते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग लेयर अलग से बनाते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग लेयर जैसा डायरेक्ट हम टेबल्स बनाएंगे तो कभी कभी कुछ डेटा मिस हो जाते हैं। रिपोर्टिंग लेयर में क्या होता है, हम सेलेक्टेड फील्ड्स ले सकते हैं या फिर सेलेक्टेड कॉलम्स लेते हैं एंड उसी के ऊपर डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो व्यू बन जाए, व्यू हो जाए तो फिर एक रिपोर्टिंग के लिए काम आ जाता है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर व्यू कभी स्लो होता है तो उसको टेबल बना करके ही दिया जा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। और फिर जब डेटा वेयरहाउस होता है, यहाँ से डिफरेंट टीम्स के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, सेल्स टीम, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, इन सब के लिए क्या, हमने एक डेटा मार्ट बना दिया और इनको दे दिया। इसके ऊपर वो लोग बीआई करें, उस डेटा को डिलीट करें, जो भी करें, फर्क हमें नहीं पड़ता, ठीक है। डेटा इंजीनियर्स ने हमें बना दिया जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट, जैसा उनका रिक्वायरमेंट था, दे दिया हमने डेटा उनको, ठीक है। तो इस तरह से काम करती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं सम ऑफ द ETL प्रोजेक्ट्स अभी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ ETL प्रोजेक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि क्या कहते हैं, ऑन प्रमाइस भी हो सकते हैं, ऑन प्रेम हो सकता है, ठीक है। ऑन प्रेम मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे खुद के कंपनी के खुद के सर्वर में इंस्टॉल्ड हो, कंपनी खुद उसको ओन करता हो, तो ऑन प्रेम बोलते हैं। और क्लाउड किसको बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं जैसे कि वो होस्टेड हो कहीं पे, किसी और सर्वर में होस्टेड है एंड द ओनर इज समबडी एल्स, जैसे कि AWS का सर्वर हो सकता है, AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसा है, ठीक है, हो सकता है Azure हो सकता है, फिर GCP हो सकता है। ये सब क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली, इनका खुद का सर्वर है। ऐसा नहीं कि क्लाउड मतलब आसमान से पानी टपक रहा है, ऐसा नहीं, आसमान में डेटा नहीं है, ठीक है। इनके खुद के सर्वर्स हैं, जो सर्वर्स क्या कर रहे हैं, ये लोग रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। हम समझ लो AWS का मैं अप्रोच करूँ, मैं एक कंपनी है, ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ और मैंने अप्रोच किया AWS को, तो AWS क्या बोलेगा, ठीक है, आप मेरा सर्वर यूज़ कर सकते हैं, आप पर घंटे का इतने चार्ज देंगे और इसमें इतनी सारी सर्विस है, उस सर्विस के इतने चार्ज देंगे। तो इस तरह से क्या है, क्लाउड इज़ बेसिकली अ रेंटिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम उनका सर्विस भाड़े में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। और अगर कुछ हुआ, कल AWS जिम्मेदार है, मेरा डेटा अगर डिलीट हो गया, उनका सर्वर क्या हो गया, मेरे को नहीं पता, अब आप जिम्मेदारी लोगे। बट ऑन प्रेम में क्या होता है, जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी को खुद उठानी पड़ती है, अपने सर में उठानी पड़ती है कि मैं उस सर्वर को रखूं और फिर वो सर्वर को कुछ ना हो जाए करके मैं किसी और कंट्री में भी रखूं, किसी और सिटी में रखूं, कहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, डेटा लॉस ना हो, तो ये सब चीज़ AWS टेक केयर कर लेगा। इसलिए हम ज़्यादातर कंपनीज क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं, ठीक है। नहीं तो वैसे देखा जाए तो ऑन प्रेम इज़ बेटर, फास्टर भी हो सकता है या जो भी है, बट इतना झंझट कौन लेगा, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड हो जाए, ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सब चीज़ AWS को बोला चटाक, अरे मेरा 10 GB खत्म हो गया, मेरे को और 5 GB चाहिए, तो बोलेगा चटाक, ठीक है लो आपका 5 GB रेडी है और आपका पैसा जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा बस, ठीक है। तो इस तरह से जो क्लाउड सर्विसेज हैं ऐसे हो काम करती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कुछ कुछ ऑन प्रमाइस के प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, उनके आर्किटेक्चर कैसे हो सकते हैं, ठीक। अगेन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, आप उसमें अपने टूल्स के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो और अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बताना आप में से कोई अगर इस तरह का प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखिए ऑन प्रमाइस में देखिए यहाँ पे CSV फाइल, डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, CSV, JSON, Avro, Parquet, इस तरह के मल्टीपल फाइल सिस्टम हो सकते हैं। ऑन CRM जैसे कि मल्टीपल डेटा हो सकते हैं, सेल्स डेटा या फिर क्वालिटी डेटा या फिर कुछ भी ऐसे सर्विस डेटा, कुछ भी सर्विस डेटा या कुछ भी ऐसे सोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक कोई डेटाबेस भी हो सकता है, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, डेटाबेस भी हो सकता है, ये सब चीज़ है। ये क्या होता है समझ लो, इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, हम ETL टूल, व्हाट इज द ETL टूल, टैलेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ETL टूल हो सकता है आपका, कोई भी ETL टूल, वो क्या कर रहा है, यहाँ से जॉब रन कर रहे हैं, यहाँ से डेटा लेता है, क्या करता है यहाँ पे, ETL परफॉर्म करता है, ठीक है, ETL परफॉर्म करता है यहाँ पे, ETL इट इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, ट्रांसफॉर्म कर रहा है एंड फिर क्या, यूनिक्स सिस्टम में लोड कर दिया, यूनिक्स सर्वर है, सिंपल फाइल सिस्टम में लोड कर दिया यूनिक्स का, ठीक है। फिर ये मेरा स्टेजिंग लेयर है, यहाँ से फिर से मैंने टैलेंट के जॉब्स लिखे हैं विच इज़ अ ETL जॉब, ठीक है, ये जॉब मैंने रन किए, जैसे रन किए मेरा डेटा वेयरहाउस किस में है, MySQL में मेरा डेटा वेयरहाउस है। तो मेरा डेटा यहाँ से स्टेजिंग से उठाया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लगा के कहाँ लोड कर दिया, डेटा वेयरहाउस में लोड कर दिया। तो सिंपल प्रोजेक्ट है, देखिए सोर्स फाइल्स हैं, कोई CRM सिस्टम है, कोई डेटाबेस है, उसमें हम कोई एक क्या यूज़ कर रहे हैं, ETL टूल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ फिर स्टेजिंग हमारा यूनिक्स है, फिर डेटा वेयरहाउस में हमारा MySQL है, इसमें स्टोर कर दिया हमने कोई भी एक, या ऑन प्रमाइस में MySQL हमारा, MySQL जो सर्वर है वो एक हमारे कंपनी के ऑन प्रमाइस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट, ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए,
मैं ये प्रोजेक्ट आपको बना के दे सकता हूँ पूरा डिटेल में आपको, क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा एंड ये प्रोजेक्ट बना करके ऑब्वियसली देखता हूँ, अगर टैलेंट यूज हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो, बट जो कोड है मतलब डेटा यहाँ से मूव करके यहाँ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लगा के बेसिक प्रोजेक्ट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखना, ठीक है। एंड अगर कॉमेंट्स में बहुत सारे अच्छे कॉमेंट आए तो ये प्लीज़ आप चेक करना, एक महीने के अंदर मेरे वेबसाइट में ये वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव होगा, ठीक है। मेरे वेबसाइट में चेक कर लेना, ये वीडियो सॉरी ये प्रोजेक्ट मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी लाइव होगा, क्योंकि यहाँ नीचे दिखा रहा है, मेरे वेबसाइट का लिंक मेरे जस्ट वीडियो के नीचे दिखा रहा है, विच इज techikrishnakayaking.com, ठीक है। सिंपल इसी तरह का बोलता हूँ, सिंपल प्रोजेक्ट है ये, एंड इसी तरह का सिमिलर प्रोजेक्ट यहाँ पे समझ लो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यार, मतलब यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे सोर्स कुछ और भी डाल सकते हो, nobody is going to stop you there, ठीक है। सोर्स में कुछ भी डाल लो आप, फिर यहाँ पे कुछ भी डाल लो, ये टैलेंट ETL टूल है, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे स्टेजिंग की जगह आप डायरेक्ट MySQL का ही स्टेजिंग टेबल बना सकते हो, ये भी ठीक है। आपको जिस तरह मतलब अगर आपने किसी ETL प्रोजेक्ट में काम नहीं किया है तो भी इस तरह के प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो, सिंपल प्रोजेक्ट अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मेरे वेबसाइट में भी चेक करते रहना, पक्का ये प्रोजेक्ट मेरे वेबसाइट में आएगा एंड आप लोग वहां से ले सकते हो, पूरा कोड मैं दे दूंगा, पूरा सब सेटअप दे दूंगा पूरा, एंड ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, उसके ऊपर पूरा टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, ठीक है, टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या है, वो सब डिटेल्स पूरा मैं उसके साथ दे दूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे MySQL है ना, MySQL के आप कोई और डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो, Oracle भी यूज़ कर सकते हो, जैसे से मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी जैसे सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, जैसे वही सेम सोर्स मल्टीपल फाइल्स का सिस्टम है, कोई भी फाइल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यार, आप मैंने यहाँ पे चार लिखे हैं तो चार ही हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है, या इनमें से दो ही यूज़ कर रहे हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ये CRM सिस्टम मैंने सिंपल लोगों मिल गया इसलिए मैंने बना दिया, आप वैसे देखा जाए तो आप कुछ भी सिस्टम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ETL टूल क्या क्या हमने यूज़ किया, इन्फॉर्मेटिका यूज़ कर लिया, ठीक है। इन्फॉर्मेटिका जॉब लेता है, यहाँ से फाइल लेता है, स्टेजिंग लेयर में डाल देता है, पिछले में क्या किया था मैंने, यहाँ पे यूनिक्स था, ठीक है, बट इसमें क्या है, स्टेजिंग में ही स्टेजिंग मतलब ओरेकल में ही, ओरेकल डेटाबेस में ही स्टेजिंग टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद फिर से ETL जॉब है, यहाँ पे ओरेकल में ही डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टारगेट टेबल बना देंगे जो कि डेटा वेयर हाउस के, टारगेट टेबल किस फॉर्म में, डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर यहाँ से BI बन सकता है, ठीक है। BI रिपोर्ट्स यहाँ पे इसके बाद बन सकता है, इसके ऊपर व्यूज बना सकते हैं, BI रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्टिंग लेयर जैसा भी कंपनी चाहती है वैसा कर सकती है, ठीक है। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना, मैं पक्का ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अरे यहाँ पे बस स्टेजिंग लेयर एक है ना, एक नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एक और स्टेजिंग लेयर आ सकता है बीच में, एक और स्टेजिंग लेयर आ सकता है, बट इफ़ द डेटा इज वॉल्यूम इज़ वेरी हाई एंड द वेलोसिटी ऑफ डेटा इज वेरी हाई, तो हम डिफरेंट मल्टीपल स्टेजिंग लेयर्स ले सकते हैं, फॉर डिफरेंट सोर्सेज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। फिर डेटा आने के बाद टोटल डेटा डेटा वेयरहाउस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डेटा मार्ट बना सकते हैं, या फिर डेटा मार्ट बना के डेटा वेयरहाउस बना सकते हैं, जैसा भी कंपनी चाहे वैसा कर सकती है, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा है वैसा है, ऐसा मैंने सीखा नहीं है पढ़ा नहीं है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया ऑन प्रमाइस के, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट, सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ये प्रोजेक्ट्स Oracle का हो, MySQL का हो, ये प्रोजेक्ट्स मैं पक्का बनाऊंगा। प्लीज़ मेरा वेबसाइट चेक करते रहना एंड कॉमेंट में लिखिए, मैं लिंक आपको भेजूंगा। एंड अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, मतलब जब रिलीज़ हुआ तब तो शायद वेबसाइट में रहेगा, बट अगर आप थोड़ा टाइम 2-3 वीक के बाद देख रहे हो वीडियो, तो पक्का मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी प्रोजेक्ट लाइव रहेगा, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके सिंपल से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट खुद से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम कुछ क्लाउड प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। सिम देखिए, ये Azure का क्लाउड प्रोजेक्ट है, इसको देखते ही घबराना नहीं है पहली बात, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा चीज़ आप खुद ही कर रहे हो, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल प्रोजेक्ट है, बहुत सिंपल है, जैसे मैं समझाऊंगा ऐसे धीरे धीरे देखिए एंड आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे Azure के सर्विसेज यूज हुए हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं जैसे समझाऊंगा ना आपको, जैसे प्रोग्रेस होगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑन प्रमाइज सिस्टम है, ठीक है, ऑन प्रमाइज सिस्टम है, ठीक है। ये ऑन प्रमाइज सिस्टम है, यहाँ से
एसक्यूएल टेबल्स का डेटा है, फिर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्लान, बिजनेस कम्युनिटी प्लान शायद ऐसा कुछ है, कंटिन्यूटी प्लान होगा, तो यहाँ एसक्यूएल टेबल से उसको फ्लैट फाइल बनाया जाता है, ठीक है। फिर अजर का कुछ अजर कॉपी होगा, पता नहीं कोई तो कोड होगा या कुछ तो सर्विस होगा, जहाँ यहाँ से फ्लैट फाइल से डायरेक्ट ब्लॉब स्टोरेज में आता है। ब्लॉब स्टोरेज इज नथिंग, बस ऐसा गूगल ड्राइव समझ लो, अगर आपने AWS में काम किया, S3 स्टोरेज समझ लो, अजर का ब्लॉब स्टोरेज होता है, ठीक है। डेटा लेक बोल सकते हो, अजर डेटा लेक बोल सकते हो, ब्लॉब स्टोरेज बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेटा यहाँ से आके ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर होता है, ठीक है। ये पॉलीबेस क्या है मुझे नहीं पता, शायद कोई एक सर्विस है, बट यहाँ ब्लॉब स्टोरेज से फिर स्टेडिंग टेबल्स में चले आता है, ठीक है। यहाँ पे Azure SQL के डेटा वेयरहाउस, यहाँ पे से ब्लॉब स्टोरेज, बेसिकली फाइल सिस्टम है। यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर हर फाइल रहने के लिए देते हैं, फिर उसमें भी मल्टीपल फोल्डर सिस्टम, जैसा आप एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, उस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हो। तो समझ लो सेम डेटा, मतलब जो सेम डेटा सोर्स है उसका डेटा हर दिन डेटा आ रहा है, तो हर दिन डेटा आ रहा है तो हर दिन आप अलग अलग फाइल आ रही है, तो एक ही दिन में दो तीन डेटा आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर डेट का एक फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर के अंदर क्या करोगे, मल्टीपल डेज का डेटा डालोगे, या सेम डेट का एक और डेट का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर मल्टीपल डेटा डालोगे अगर आवरली आ रहा है, ठीक है। या फिर एक मंथ के अंदर पूरे 30 फाइल्स आने दोगे हर दिन, अगर डेली फाइल आ रहे हैं तो, या फिर कई फोल्डर, मतलब एटलीस्ट बहुत सारे सोर्सेस होंगे, बहुत सारे डेटा होगा, तो हर एक सोर्स का अलग अलग फोल्डर रहेगा, उसके अंदर अलग अलग फाइल रहेंगे। तो ये CSV फाइल हो सकता है, पार्के फाइल हो सकता है, या कुछ भी, पार्के फाइल इज़ नॉट रीडेबल, सो पार्के फाइल यूज़ करते हैं तो इट इज़ फास्टर ऑल्सो। बहुत सारे रीजन से अगर आपको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जानना है, एंड व्हाट इज़ द यूज़, क्यों ऐसा फाइल फॉर्मेट आया, तो उसके बारे में जानना, तो प्लीज़ कमेंट में जताना, फाइल सिस्टम # फाइल सिस्टम लिखना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर ब्लॉब स्टोरेज देखो, यहाँ से SQL टेबल्स में क्या, वहाँ से फ्लैट फाइल अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी प्लान, जो भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है उसके हिसाब से फ्लैट फाइल्स में बना। फ्लैट फाइल्स के अंदर कोई भी एक सर्विस होगा, शायद इजी कॉपी कुछ सर्विस होगा, तो वहाँ से इधर आ गया ब्लॉब स्टोरेज में, ठीक है। ब्लॉब स्टोरेज से कोई पॉलीबेस शायद सर्विस होगा, जिससे स्टेजिंग टेबल्स में डेटा लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे शायद ट्रांजेक्शन SQL डाल करके फिर प्रोडक्शन टेबल्स में डाल दिया, स्टेजिंग से प्रोडक्शन टेबल्स, विच इज डेटा वेयरहाउस अगेन। फिर यहाँ से एनालिसिस सर्विस, बेसिकली रिपोर्टिंग लेयर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे SQL टेबल्स हैं, ये टेबल फॉर्मेट में है, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में बन जाता है, फिर यहाँ से हम लोग अलग अलग ब्लॉब स्टोरेज में अलग डेट के हिसाब से, देखिए यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज में डालते हैं, ब्लॉब स्टोरेज के अंदर फिर ये क्या कहते हैं, स्टेजिंग टेबल्स में डाल रहे हैं, ये बिग डेटा का ऐसा नोड सिस्टम दिखाया जा रहा है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन टेबल्स में डाल दिया है। प्रोडक्शन टेबल्स मतलब अभी फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्कीमा बना हुआ है, फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल में डाल दिया है, फिर उसके बाद टेबुलर मॉडल, इस मॉडल के ऊपर हम BI बना सकते हैं। तो इस तरह का एक सिंपल Azure का क्लाउड प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं इसके आगे और भी बता सकती हूँ, मतलब यहाँ पे डेटा रन होने के लिए ADF यूज़ हो सकता है, विच इज़ Azure डेटा फैक्ट्री यूज़ हो सकता है, ठीक है। एंड उसके ऊपर कोड लेके जा सकते हैं, Azure डेटा ब्रिक्स के ऊपर भी कोड लेके जा सकते हैं, ठीक है। ADF के अंदर कई कनेक्शंस होते हैं, वो कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं टू द सोर्स सिस्टम, टू द फाइल सिस्टम, यहाँ से डेटा यहाँ आने के लिए तो कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें Azure में पॉसिबल हैं, कर सकते हैं बहुत, मैंने खुद भी किया है, तो मैंने खुद भी किया है। अगर आप चाहते हो Azure का मैं प्रोजेक्ट बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना Azure, ठीक है, #Azure लिखना, फिर Azure का पक्का प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, एंड वो प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे वेबसाइट में फिर से चेक करते रहना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक Azure का प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं AWS का प्रोजेक्ट भी बताता हूँ, मैंने सिंपल ये सब प्रोजेक्ट्स मैंने ना मैंने खुद से नहीं बनाई, ये सब आर्किटेक्चर जो है मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए हैं, बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका सोर्स गूगल है, डायरेक्टली मैंने लिखा Azure ETL आर्किटेक्चर, और वो लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह के, इसी तरह सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स Azure में मैंने खुद काम किया है, टेस्टिंग में भी काम किया, मैंने खुद भी बनाया भी है, तो ऐसे अगर आप चाहते हो तो Azure करके लिखना। तो ये एक और सिमिलर Azure प्रोजेक्ट ही है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लॉग फाइल्स, मीडिया फाइल, अनस्ट्रक्चर फाइल्स हो सकता है, कुछ बिजनेस के ऐप्स हो सकते हैं जिससे डेटा जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर क्या होता है, Azure डेटा फैक्ट्री रन होता है। Azure डेटा फैक्ट्री रन होने के बाद Azure डेटा लेक स्टोरेज में चले जाता है, यहाँ से पूरा डेटा Azure डेटा फैक्ट्री के थ्रू Azure लेक, मतलब विच इज डेटा लेक में चले जाता है, और फिर उसके ऊपर Azure डेटा ब्रिक्स जो है, Azure डेटा ब्रिक्स के ऊपर कोड रन होती है, जो हमारे PySpark के कोड होते हैं, पांडास के कोड होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक है वो डेटा ब्रिक्स के नोटबुक्स में लिखे गए हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, देखो 1, 2 हो गया, 3 यहाँ पे Azure Synapse करके एक और सर्विस है Azure का, ठीक है, वो सिमिलर उसी में Azure Synapse के सर्विस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एनालिटिक्स का, यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट लेक स्टोरेज से Synapse एनालिटिक्स ऐसा कुछ हो रहा है,
ठीक है, अगेन मुझे नहीं पता डिटेल में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया होता शायद मैं क्वेश्चन कर सकता था, बट मुझे नहीं पता। फिर यहाँ से कुछ एनालिटिक्स होकर के फिर यहाँ, मतलब यहाँ पे देखो फिर से अजर डेटाब्रिक्स ही फाइल रीड कर रहा है, ठीक है, और कुछ कुछ यहाँ पे सर्विसेज अजर एनालिसिस सर्विस के ऊपर डायरेक्ट पावर बी आई रिपोर्ट बनाया जा रहा है, बट यहाँ डेटाब्रिक्स से आप देखोगे ना डेटाब्रिक्स से डायरेक्ट पावर बी आई की रिपोर्ट, बट अगेन कहीं ना कहीं तो ये टेबल में डाल रहे होंगे, ठीक है, शायद अजर के सीक्वल में ही होंगे या डेटाब्रिक्स का टेबल्स में होंगे, कहीं ना कहीं तो डाल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ अजर का कॉस्मो डीबी होता है, डेटाबेस होता है, तो उसमें भी डाल रहे हैं, से मे बी शायद बैकअप रख रहे हो, और नहीं शायद बैकअप नहीं रख रहे, ये लोग इस डीबी में डाल करके किसी वेब एप्लीकेशन में इस डेटा को दिखा रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो इस तरह का एक फ्लो रहेगा, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख लेना, ध्यान से देखना, मे बी अगर आप स्पीड 1.5x या ऊपर देख रहे हो तो थोड़ा स्लो कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक और बार समझा देता हूँ, बहुत सारे डेटा हैं फाइल्स के फॉर्मेट में, लॉग्स के फॉर्मेट में, इवन स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है या फिर किसी ऐप से जनरेट हुआ डेटा हो सकता है, वो अजर डेटा फैक्ट्री के थ्रू, मतलब डेटा फैक्ट्री इज बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जिससे हम रन करने के लिए बेसिकली, अगर जैसे आप ETL जॉब्स बोलते हो तो यहाँ पे अजर के पाइपलाइन बन रहे हैं, तो डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन होता है, ये पाइपलाइन रन करने से यहाँ से डेटा इधर लोड हो गया, तो डेटा लेक स्टोरेज में लोड हो गया, फिर यहाँ से हम अजर डेटा ब्रिक्स से डेटा फाइल रीड करते हैं जो कि कनेक्शन बना हुआ होगा, डेटा ब्रिक्स का भी शायद डेटा ब्रिक्स के जो जॉब्स हैं यहाँ पे नोटबुक्स हैं इसको रन करने के लिए भी हम डेटा फैक्ट्री के ही पाइपलाइन बनाएंगे, जो कि ये पाइपलाइन रन किया, यहाँ से यहाँ डेटा ले आया, फिर यहाँ उसके बाद डेटा लाने के बाद फिर ये नोटबुक्स जो हैं रन हुए तो डेटा यहाँ पे रीड हुआ, एनालाइज हुआ, BI में आ गया, फिर यहाँ से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके डेटाबेस में स्टोर हुआ, फिर इस DB में चला गया, यहाँ से किसी वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले किया जा रहा है इस डेटा को। सो इस तरह से एक ओवरऑल फ्लो बन सकता है, अगेन एट द एंड ऑफ द डे इस डेटा को किस तरह यूज़ करना है उसी के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बनता है। तो कुछ भी ऐसा डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड मैं कोशिश करूँगा आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करने की, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। एक अभी AWS का प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है, ये भी देखने से बहुत घबराहट आ जाती है, अरे भाई ये सब क्या क्या है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई है, बच्चे समझाएगा, डिटेल में समझाएगा, ठीक है। AWS का सिंपल प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, देखो अगेन सोर्स डेटा, कुछ भी सोर्स डेटा हो सकता है यार, कुछ भी, देखो ये ऑन प्रमाइस का सोर्स डेटा हो सकता है, कोई सोशल मीडिया का डेटा हो सकता है, स्ट्रीमिंग डेटा हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सोर्स डेटा हो सकता है, ये पूरा डेटा कहाँ है, यहाँ देखो AWS का क्लाउड है ये पूरा, ठीक है, अच्छे से बना सकता है ये, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सीधा इंटरनेट से उठा लिया है, कुछ भी और नहीं किया मैंने, ठीक है, अगर कोई क्रेडिट्स चाहता है तो बता देना, मैं क्रेडिट्स भी दे दूंगा इसको, ठीक है। AWS का क्लाउड डेटा है सीधा, यहाँ पे देखो डेटा लेक, ठीक है, इस डेटा लेक के अंदर क्या है, AWS S3 बकेट, अगर आप Azure समझते हो, Azure का डेटा लेक ये ब्लॉब स्टोरेज जैसा S3 बकेट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो रॉ डेटा डाल दिए, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के प्रोसेस डेटा डाल दिए, तो यहाँ से आया डेटा रॉ डेटा में, विच इज टोटली ओवरऑल S3 बकेट के अंदर, सेम फोल्डर सिस्टम में बनता है, आपको कोई कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं, जैसे कि आप एक गूगल ड्राइव में फाइल्स बना सकते, फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर फाइल फाइल के अंदर फोल्डर, ऐसा कुछ भी कर सकते हो ना ऑपरेशन, मतलब समझ लो सिंपल, एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है और इस फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकता है और इसी फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकता है, राइट, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकते हैं, तो इसी तरह का चीज़ें आप सिमिलर की तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हो, S3 बकेट्स में भी कर सकते हो, ब्लॉब स्टोरेज में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉ डेटा है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के प्रोसेस डेटा बनता है, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, यहाँ पे देखो Amazon कॉम्प्रहेंड NLP सर्विस हो सकता है, AWS ग्लू विच इज़ वेरी पॉपुलर, ग्लू इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है, लैम्डा फंक्शंस भी यूज होते हैं बहुत सारे, रेडशिफ्ट के डेटा, रेडशिफ्ट बेसिकली डेटाबेस है, ठीक है, Amazon क्लाउड वॉच, इसमें मैंने काम नहीं किया है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ये भी पहली बार सुन रहा हूँ, बट ये यूज़ होते हैं, बट मैंने ग्लू में काम किया है, लैम्डा में काम किया है, रेडशिफ्ट में काम किया है, रेडशिफ्ट में डेटा स्टोर होता था, मैं रेडशिफ्ट के ऊपर डेटा वैलिडेशन परफॉर्म कर चुका हूँ, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी लिख चुका हूँ रेडशिफ्ट के ऊपर, ग्लू जॉब्स मैंने देखे हैं, रन किए हैं, बनाए हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन हो सकता है, Amazon Athena बेसिकली क्वेरी सर्विस, जैसे आप SQL डेवलपर हो सकता है, DBWR हो सकता है, उस तरह का क्वेरी सर्विस है, अगेन गारंटी नहीं है मुझे, मैंने काम नहीं किया है तो इसलिए मैं बता नहीं रहा, जैसे ना थोड़ा बहुत पढ़ के बता रहा हूँ उतना। रेडशिफ्ट अगेन डेटा वेयर हाउस का डेटा, रेडशिफ्ट में डेटा स्टोर हो सकता है, सेफ मेकर ML प्रोग्राम, तो ये बेसिकली यहाँ पे
मशीन लर्निंग के कुछ कोड लगा करके उससे कुछ डेटा इंसाइट करने इंसाइट्स लाने की कोशिश हो सकती है, तो उस तरह के एमएल अल्गोरिथम्स लिखे जा सकते हैं। फिर यहाँ से विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे एंड यूजर बेसिकली मैंने जैसे बताया था जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स होते हैं वो, और यहाँ पे ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोसेस, जो भी आपको उस डेटा से कुछ ऑपरेशनल सिस्टम में डालना हो कुछ नहीं, ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे जो दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में। फिर यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उस रिपोर्ट्स के ऊपर जो भी इंसाइट्स हैं, पाई चार्ट्स, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल AWS का क्लाउड का प्रोजेक्ट हो गया। सिंपल से सोर्स से हमने डेटा इंजेस्ट किया, यहाँ से विजुलाइज किया, सिंपल। तो इसके अंदर भी ETL के अंदर भी हमने S3 में भी डाला है, S3 में भी रॉ डेटा भी है, प्रोसेस डेटा भी है, मतलब रॉ डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम कुछ नल हैंडलिंग जैसे चीज़ें, डुप्लीकेट हैंडलिंग जैसे चीज़ें, ये सब चीज़ें हैंडल करके प्रोसेस डेटा में डाल दिया। फिर उसके बाद हमने कोई भी एक डेटा बेस का सर्विस हो सकता है जैसे रेडशिफ्ट हो सकता है, तो उस तरह से हमने डेटा डाल दिया, ठीक है। अमेज़न का कोई और भी अगर डेटाबेस सर्विस है उसमें भी हो सकता है, तो डेटा डाल दिया, उसके बाद उस डेटा को हमने यूज़ किया रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। इतना सिंपल सा है कुछ, आप जैसे भी इसे आर्किटेक्चर देखते हो ना, डरना नहीं है कभी भी। आप शायद कम एक्सपीरियंस हो या फिर थोड़े कम एक्सपीरियंस से गए हो और या ETL प्रोजेक्ट में काम नहीं किया है तो आपको डर लगता है, ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल नॉर्मल, ठीक है। तो चलो एक और बेसिक, ये देखो ये बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये बेसिक प्रोजेक्ट है जिसमें मोस्टली ऐसा ETL प्रोजेक्ट, हर ETL प्रोजेक्ट ऐसा ही होता है। यहाँ पे टैबुलर स्पेसिफिकली BI बोला गया है, बट आप पावर BI हो सकता है, कोई भी एक BI टूल यूज़ हो सकता है, ठीक है। फ्लैट फाइल्स, SFTP फाइल्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, कोई नो सर्वर से आया, यूनिक सर्वर से, लिनक्स सर्वर से कोई डेटा आया वो भी हो सकता है, कोई IoT का जनरेटेड डेटा हो सकता है, API कॉल्स करके डेटा आ सकते हैं, कोई OLTP सिस्टम से डेटा आ सकते हैं, तो इस तरह के कई सोर्स सिस्टम हो सकते हैं। वैसे फाइल्स में पूरे फाइल्स कंसिडर कर रहा हूँ मैं, IoT जनरेटेड डेटा हो सकते हैं ऐसे। फिर ये ETL या ELT क्या है कमेंट बताना अगर उस पर डाउट है वो कैसा हो सकता है। एक ELT का प्रोजेक्ट भी मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। ELT का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ नहीं किया है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफर। पहले हम क्या करते हैं, अ बिग डेटा प्रोजेक्ट मोस्टली वर्क्स ऑन ELT। तो क्या होता है कि हम पहले जब वहाँ से डेटा लेंगे फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके लोड करते हैं तो उसमें कभी कभी टाइम लगता है। तो क्या करते हैं, बिग डेटा में पूरा डेटा लिया, इसको यहाँ डाल दिया एक जगह, फिर यहाँ पे जितना ट्रांसफॉर्मेशन है, जितना डेटा रीड करना है रीड करो एंड डाल दो उधर, ठीक है। तो दैट बिकम्स ईजियर इन अ बिग डेटा प्रोसेस बिकॉज वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मैप रिड्यूस होता है, तो थिंग्स बिकम ईजियर, ठीक है। फिर डेटा वेयरहाउस है, बिग डेटा सॉल्यूशन है, डेटा लेक है, आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ से डेटा आया, फिर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बिजनेस कंपनीज चूज करती हैं कि हमको क्या कौन सा सोल्यूशन यूज़ करना है, डेटा वेयरहाउस सोल्यूशन यूज़ करना है, बिग डेटा सोल्यूशन यूज़ करना है, या डेटा लेक वाला सोल्यूशन यूज़ करना है। वो देने के बाद फिर एक डैशबोर्ड बन सकता है विच कैन बी एनी BI डैशबोर्ड्स, ठीक है। फिर ये सर्वर है, सर्वर में BI डैशबोर्ड होस्ट करते हैं और इसको हम क्लाइंट व्यू में दिखाते हैं क्लाइंट्स के लिए या फिर यूजर्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव वर्कड ऑन एंड आई हैव क्रिएटेड मेड एंड वर्कड ऑन टेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको डिटेल में क्या क्या टेस्ट केसेस हो सकते हैं इस सिनेरियो में, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपको, जैसे कि ऑन प्रोमाइज के लिए कैसे टेस्टिंग लिखें, टेस्ट केसेस लिखें, किस किस तरह के क्या क्या तरह के टेस्टिंग हो सकते हैं, क्लाउड में हो तो किस तरह के टेस्टिंग टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, डिफरेंट फेजेस में देखो यहाँ पे phase 1, phase 2, phase 3 टेस्टिंग, phase 4 टेस्टिंग, phase 5 टेस्टिंग, देखो इतने सारे लेयर्स हैं तो 5 लेवल ऑफ टेस्टिंग रहेंगे, तो कितने सारे टेस्टर्स चाहिए रहेंगे, किस तरह के टेस्ट केसेस लिखने चाहिए, तो इस तरह के कुछ भी डाउट है यहाँ पे भी। देखो डिफरेंट लेवल्स, कितने सारे लेवल्स है, टोटल 7 लेवल है, इस पूरा 7 लेवल का अगर आपको देखो 7 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है टोटल 7, देखो 1 से लेके ऐसे डाटा घूम के आ रहा है, तो पूरे 7 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग्स के टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, सिनेरियोस कैसे बना रहे हैं, टेस्ट केसेस कैसे करने हैं, टेस्टिंग कैसे करने हैं, क्या करना है, ये सब ऐसा कुछ भी डाउट है तो आप मेरा प्रोजेक्ट का सर्विस ले सकते हो, आप अपने डाउट्स पूरे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं दिखाता हूँ आपको, आप सीधा मेरे वेबसाइट में भी जा सकते हो या फिर आप जाएंगे वेबसाइट में जा करके, आप अगर 1-on-1 सेशन चूज़ करेंगे, बुक अ सेशन विथ मी ऐसा जाएंगे, अगर आप जाके ओपन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रियल टाइम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट भी है, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू का भी है, एंड यहाँ अगर आप रियल टाइम मैनुअल प्रोजेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा एक रिटेल प्रोजेक्ट CSV फाइल्स, MySQL, Oracle, इन सब में कैसे हो सकता है,
ETL टेस्टिंग पूरा आपको टेस्ट केस के साथ, टेस्ट प्लान के साथ, ये पूरा मैं बता के देता हूँ, ठीक है, ये पूरा मैं बता के देता हूँ ये सब चीज़ें। इवन अगर आप ऑटोमेशन का भी आप मेरे साथ सेशन शेड्यूल करते हैं, विच इज़ लाइक आप 3 आवर्स ऑलमोस्ट मैं समझाता हूँ, पूरा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी देता हूँ, कोड भी देता हूँ पूरा, आपको चीज़ पूरा आप यहाँ से आके अवेल कर सकते हो। देखो मैं खुद दिखाना चाहूँगा कई टेस्टिमोनियल्स, मेरे सर्विस ले चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो मतलब सब बहुत लोगों ने 5 to 5 रेटिंग दिया, इसने पता नहीं क्या हो गया यार, इसको 4 दिया। देखो सब ज़्यादातर लोगों ने 5 out of 5 रेटिंग दिया, मतलब बहुत नॉलेज उनको दिया है मैंने। यहाँ पे देख देखते, अरे ये क्या है यार, 1 out of 5 दिया है इनको यार, मेरे मेरा प्रोजेक्ट पूरा दिखाया मैंने, फुल प्रोजेक्ट उनको, और उससे जॉब भी मिला उनको, और उनने मेरे को मैसेज भी किया था, बट ये 1 out of 5 दिया है, गलत बात है ये, मैं बात करूँगा इनसे, ठीक है। एनीवे ठीक है, बहुत लोगों ने देखो सब ने 5 on 5 दिया, मतलब बहुत क्लैरिफिकेशन आ जाती है, मतलब बहुत क्लियर कर देता हूँ उनके डाउट्स जो भी है। एंड सी मैन, व्हाट अ जेन्युइन पर्सन यू आर, लिटरली गाइडेड मी। इस तरह से आप कोई भी जो सेशन चाहते हो मेरे साथ बुक कर सकते हो आप सेशन यहाँ पे जा करके। आपको जो भी डाउट है, प्रोजेक्ट लेवल पे डाउट है, आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ डाउट आता है आपको, तो वो चीज़ भी आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वैसा डाउट्स आते हैं आपको, वो चीज़ भी आप पूछ सकते हो। आपको प्रोजेक्ट्स के कुछ भी डाउट हो तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। कुछ भी आपके खुद के प्रोजेक्ट में डाउट हो, या आपको ETL टेस्टिंग में ट्रांजिशन करना है, ठीक है, ETL टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग से ETL टेस्टिंग में आना है, तब भी आपको कोई प्रोजेक्ट की चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए आपको रेज्यूमे में डालने के लिए, या कोई प्रोजेक्ट चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर प्रैक्टिस, तो वो भी मेरे को आप कमेंट्स में जरूर बताना। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में, मेरे को मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको, या फिर मेरे साथ डायरेक्ट एक सेशन बुक कर सकते हो। मैं जो भी मेरे साथ सेशन बुक कर सकता है करता है, मैं उसको पक्का मेरा व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी मेरे साथ सेशन बुक करता है या फिर मेरे साथ मेरा कोई कोर्स खरीदता है, तो मैं उसको पक्का अपना फ़ोन नंबर जरूर देता हूँ, ठीक है, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आराम से उनका जो भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, मैं उनको देता जरूर हूँ, ठीक है। एंड अगर आप में से कोई भी मेरा सेशन लिए हैं, एंड या आप में से कोई भी मेरा कोर्स खरीदे हैं, तो प्लीज़ आप अपने कोर्स खरीदते तो ऐप में मेरे को मैसेज करिए, या फिर अगर आपने मेरा कोई टॉप मेट सेशन लिया था, तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन माई चैनल। एंड स्पेसिफिकली आप मेरा कोर्स खरीदते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर रखिए, एंड मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ मेरा डाउट सेशन भी होते रहते हैं हमारे। तो अगर कुछ भी डाउट है ये पूरे व्हाट ETL टेस्टिंग से रिलेटेड, या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर बताना, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर कमेंट, या फिर एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।